हेलो इन शालोम एवरीवन, मैं हूं पास्टर डॉक्टर नीतू पी चौधरी और आज हम बात करने जा रहे हैं फादर्स के बारे में। कैसे एक अच्छा, कैसे एक धर्मी, कैसे एक इंटेग्रिटी पर चलने वाला फादर अपने बच्चों की जिंदगी में एक बड़ी आशीष, एक बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आने वाला हो सकता है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक विश्वासी फादर होना कैसे चाहिए, उसके कैसे कैसे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, उनकी जिंदगी में क्या ऐसी बातें होनी चाहिए जो आपके बच्चों को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमने एक वीडियो निकाला था जो कि मदर्स के लिए था कि माएं कैसे प्रार्थना करें अपने बच्चों के सुधार के लिए ताकि उनकी लाइफ में एक अच्छे बदलाव को देख सकें। वो वीडियो आपने बहुत लाइक किया, थैंक यू वेरी मच। तो आप ही के कहने पर हम फादर्स के लिए भी इस वीडियो को आज आपके लिए लेकर आए हैं। ज्यादा समय ना लगाते हुए मैं सीधा आपको वचन में लेकर चलूंगी। देखिये, जब हम परमेश्वर के वचन की बात करते हैं तो प्रोवर्ब्स नीति वचन उसके 20 चैप्टर की 7th आयत में ये बात कही गई है कि जो एक राइचियस मैन इंटेग्रिटी में चलता है, जो एक धर्मी इंसान खराई के साथ चलता है, वो अपने बच्चों के लिए एक बड़ी धरोहर छोड़ जाता है, वो अपने बच्चों के लिए एक बड़ी आशीष को जो है वो छोड़कर जाता है। और जब इसी बात के बारे में ही हम बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि एक पिता को क्या क्या कुछ करना चाहिए। एक पिता को अपने बच्चों का पालन पोषण तो जो है वो करना ही चाहिए, साथ ही साथ उन्हें स्पिरिचुअली भी ग्रो करना चाहिए ताकि जब वो बड़े हो जाए तो अपने मार्ग से, अपने जो रास्ते से वो डगमगाए नहीं। क्योंकि वचन बताता है कि जब बच्चा छोटा होता है, बच्चों को उसी रास्ते की ही शिक्षा दी जाए, ट्रेन योर चाइल्ड व्हेन ही इज स्मॉल, ताकि जब वो बड़ा हो जाए तो वो उस रास्ते से भटक ना सके। आमीन। तो पिता को इंस्ट्रक्शन देने वाला होना चाहिए, जैसे कि वचन बताता है प्रोवर्ब्स चैप्टर 1:8 में लिखा है कि अपने पिता की शिक्षाओं को सुन और अपनी माँ की शिक्षाओं को ना तज। यानी कि फादर हैज टू गिव इंस्ट्रक्शंस, फादर को अपने बच्चों को सही शिक्षा देनी, उन्हें सही डायरेक्शन में मूव करना जरूरी है। बहुत सारे अलग अलग फादर्स हैं जिनके बारे में हम वचन में पढ़ते हैं और कई ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे नहीं थे, कई ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे थे। चले, जो अच्छे या जिनकी गलतियों से हम सीख सकते हैं उनमें से अब्राहम है, इजहाक है, याकूब है, दाऊद है। आप बोलेंगे ये तो बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, इन्होंने तो अपना बहुत नाम कमाया, परमेश्वर के बहुत नजदीक थे, तो फिर ये अच्छे पिता क्यों नहीं साबित हो सके। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि उनमें अच्छाई नहीं थी, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी खामी थी जिससे अगर हम समझ जाएं तो उस खामी को हम अपनी जिंदगी में ना लाकर अपनी आने वाली जनरेशन को सुधार सकते हैं। अगर हम अब्राहम की बात करें तो अब्राहम ने परमेश्वर के वादे को पूरे होने के लिए वेट नहीं की, उसने जल्दबाजी दिखाई, इम्पेशंस के साथ उसने इश्माइल को पैदा किया और वो आगे जो हम देखते हैं जनरेशंस बनी, यहां तक कि इश्माइल और इजहाक की भी आपस में बनती नहीं थी। जबकि सारा ने देखा कि इजहाक छोटा है और इश्माइल उसे परेशान करता है, तो वो चाहती थी कि वो हाजरा को और इश्माइल को अब्राहम अपने घर से भेज दे, जो उसने भेजा भी परमेश्वर की आज्ञा पाकर। लेकिन उसने कहीं ना कहीं एक अच्छा पिता बनने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी छोड़ दी, जिसमें कि हम देखते हैं कि आज तक भी वो जेनरेशन जो है एक दूसरे के ऑपोजिशन में, एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही है। फिर जब अगली जेनरेशन की बात आती है, जब इजहाक की बात की जाए, इजहाक के भी दो बेटे थे, इसाऊ और जेकब, एक माँ का फेवरेट, एक बाप का फेवरेट। वहां पर भी फेवरेटिज्म आई, वहां पर भी पिता एक बच्चे को आशीष देना चाहता था, माँ दूसरे को ब्लेस करवाना चाहती थी। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि कितनी जो घर के अंदर मिसट्रस्ट था, कितना घर के अंदर फरेब था, कितनी चालाकी थी कि घर के अंदर ही वो सब कुछ हो रहा था। यानी कि एक बाप होने के नाते इजहाक शायद उस बात को समझ नहीं पाया या फोरसी नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये सब कुछ हुआ। जब हम जेकब की भी बात करें तो जेकब भी एक ऐसा पिता ठहरा जिसके 12 बेटे थे, लेकिन वो 12वें बेटे के साथ यूसुफ के साथ सबसे ज्यादा फेवरेटिज्म करता था, उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बाकी भाइयों की उसके खिलाफ कैसे हेट्रेड थी। सो मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स के फेवरेट बच्चे नहीं होते, मैं ये भी नहीं कह रही कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को अच्छे से पालन पोषण करना नहीं जानते, पर मैं ये कह रही हूँ कि कई ऐसी गलतियां होती हैं जिनसे हम सीख पाते हैं ताकि हम आगे उन गलतियों को ना दोहरा पाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप गलती करेंगे, सीखेंगे, फिर आप उसको ठीक करेंगे, हम किसी और की गलतियों से भी सीख सकते हैं। तो जो गलती अब्राहम ने की, जो गलती इसहाक ने की, जो गलती याकूब ने की, हम वो गलती नहीं दोहराना चाहते।
तो हम उनकी उस गलती से सीखेंगे कि वो जेनरेशन टू जेनरेशन उस कर्स को, उस फेवरेटिज्म के साथ हेट्रेड को जुड़े हुए कर्स को वो अपने अगले के अगले जो जेनरेशन है उनमें ट्रांसफर करते रहे, विच वॉज अ रॉन्ग थिंग। तो हमें एज पेरेंट्स होने के नाते, हमें एक पिता होने के नाते, पिता इसलिए बिकॉज पिता जो है वो एक हायर पोजिशन पर होता है फैमिली में, और जो कुछ वो करता है, जो कुछ वो कहता है, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है उसके आने वाली जनरेशन्स को। तो इसलिए मैं बात कर रही हूं कि एक पिता को कैसा होना चाहिए। दाऊद की अगर बात की जाए तो डेविड वॉज द मोस्ट यू नो एस्टैब्लिश्ड किंग ऑफ हिज टाइम्स, लेकिन वो एक अच्छा पिता नहीं साबित हो सका। उसके अपने घर में मर्डर था, रेप था, एडल्ट्री थी, प्रॉब्लम थी, यहां तक कि भाई भाई को मारने के लिए आमादा था, और सब कुछ हो रहा था, रिवोल्ट हो रहा था, रिबेलियन हो रहा था, बिकॉज ही वॉज नॉट अ गुड फादर। ही वॉज अ गुड किंग, ही वॉज अ ग्रेट किंग, पर वो एक अच्छा पिता साबित नहीं हो सका। कई चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एक पिता होने के नाते यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको परमेश्वर को पहली जगह देनी है, आपको इंसान को नहीं पहली जगह देनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आवर फेवर कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। हमारा फेवर परमेश्वर से आता है, हमारा फेवर मनुष्य से नहीं आता है। दूसरी चीज जो हमें समझनी है कि आपको अब ज्यादा अहमियत अपनी बीवी को देनी है एक पिता होने के नाते। अब आप बोलेंगे पिता होने के नाते वाइफ को अहमियत देने का क्या मतलब हुआ? देखिए, जैसा माहौल आप अपने घर में अपनी वाइफ के लिए बनाएंगे, जैसा आप अपने बच्चों की मां के प्रति ऑनर दिखाएंगे, तो घर के माहौल में आप देखेंगे कि बच्चे भी उस रिस्पेक्ट को, उस ऑनर को देखते हुए बड़े होंगे, और वो जान पाएंगे कि अगर मेरा फादर जो कि एक हायर पोजीशन पर है फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली घर में, और वो मेरी माँ का आदर करता है, तो वो बच्चा इस बात को देखता हुआ बड़ा होगा दैट आई हैव टू हैव अ लाइफ ऑफ इंटेग्रिटी एंड ऑनर फॉर एवरीवन दैट आई मीट। मैं चाहे मुझसे कोई छोटा है स्टेटस में या स्ट्रेचर में, फिर भी मुझे उसका आदर करना है, मुझे हर किसी को प्यार और आदर के साथ देखना है। तीसरी चीज जो फादर को करनी चाहिए, बच्चों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। कई फादर्स इतने अपनी लाइफ में इंडल्जेंट होते हैं कि उन्हें अपने बच्चों की लाइफ का की परवाह ही नहीं होती। सो बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ कि हाँ मैं अपने लिए अच्छे कपड़े ले लूं, थिंक अबाउट कि आपके बच्चों के पास वो चीज है कि नहीं। अगर आप ये सोचते चलो आज मैं रिक्रिएशन के लिए कहीं चलता हूं, तो सोचें आपके बच्चों को भी रिक्रिएशन की जरूरत है। आप हर समय बच्चों को डांट डांट कर अपनी लाइफ को बेहतर नहीं बना सकते, इसीलिए यू नीड टू कीप योर चिल्ड्रन ऑल्सो इन अ प्लेस जहां पर वो पेस के साथ पेस मिलाकर चल सके कि जो फादर के लिए अच्छा है, जो फादर दिखा रहा है, वो बच्चे भी उसको अप्लाई कर सके। आमीन। जो फादर है, फोर्थ बात ये है कि जो फादर है उन्हें अपनी फैमिली को एक विजन के साथ प्यार करना चाहिए और एक विजन के साथ प्यार दर्शाना चाहिए। अब आप बोलेंगे इसमें दर्शन की बात कहां से आ जाती है? देखिए, जब एक पिता अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाता है, परमेश्वर ने चाहा कि आप पिता बने, परमेश्वर ने चाहा कि अगली जनरेशन को आप सिखा सके, अगली जनरेशन को आप एक विजन के साथ बड़ा कर सके, जब आप उस विजन को समझेंगे तब आप उस विजन को डाउनलोड कर सके। और विजन क्या है कि हमें परमेश्वर ने एक मकसद के साथ बनाया है, परमेश्वर ने हमें एक प्लानिंग के साथ खड़ा किया है, और वो प्लानिंग है परमेश्वर की महिमा करने की, सिर्फ अपनी जिंदगी में नहीं लेकिन अपने आने वाली बच्चों की जिंदगी में भी, अपनी जनरेशंस की जिंदगी के द्वारा भी। और परमेश्वर की महिमा करना हमारा एक विजन होना चाहिए कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन एवरीथिंग दैट वी डू, कि परमेश्वर के नाम को हम महिमा दे सके। आमीन। और एक चीज और जो फादर्स को बहुत इंपॉर्टेंस के साथ समझनी चाहिए कि बच्चों के लिए प्रार्थना करना सिर्फ माँ का काम नहीं है। Fathers need to pray for their children. हम देखते हैं जब Old Testament में भी जितने fathers की बात की जाती है, वो पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते थे। अगले generation को जब वो सौंपते थे कुछ, तो वो prayerfully सौंपते थे। It was fathers, it was not mothers who used to pray for their children. So it is very important कि एक पिता अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना करे। अब आप बोलेंगे कि जी मैंने तो कभी प्रार्थना नहीं की है, तो खुद उस लेवल पर आए जहां पर आप बच्चों के लिए कुछ कर सके। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप उन्हें स्पिरिचुअली ग्रो करें, ताकि वो स्पिरिचुअली भी ग्रो करें, वो मॉरली भी ग्रो करें, वो इंटेग्रिटी वाइज भी ग्रो करें, वो फाइनेंशियली भी ग्रो करें, वो हर चीज में ग्रो करें और अपनी जिंदगी में तरक्की को देख सके। आमीन। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि इसमें करना क्या है, इसमें पेरेंट्स को, इसमें फादर्स को अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देनी है, उन्हें टीचिंग्स देनी है और उन्हें प्रोवोक नहीं करना है। जब आप
इफ्सियों की किताब पढ़ते हैं उसके चैप्टर 6 में आप देखेंगे, इफिशियंस चैप्टर 6 के वर्स 4 में ये बात कही गई है, हे बच्चों वालों, यानी कि पेरेंट्स को ये बात कही गई है, हिदायत दी गई है कि अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, पर क्या करो, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। सो व्हेन यू आर इंस्ट्रक्टिंग योर किड्स, तो उन्हें धक्के से नहीं कि जैसे घोड़े को खींच खींच के लेके जाना पड़ता है तो वैसे आप बच्चे को खींच खींच के किसी काम को कराएं, उनसे परमेश्वर के नाम में, प्रभु के वचन में, उस अनुग्रह में जो प्रभु ने आपको दिया है उसमें अपने बच्चों का पालन पोषण करें, उस चेतावनी के साथ उन कॉशियस चीजों को रहने के लिए कहें जो कि वचन में लिखी है और जैसे वो लिखी हुई है। आमेन। आगे ये भी लिखा है जब हम बात करते हैं कि फादर्स को क्या करना चाहिए, फादर्स को अपने बच्चों को कमांड करना चाहिए, उन्हें सही शिक्षा के साथ साथ, कई चीजें होती बच्चे ऐसे नहीं समझते तो आपको उन्हें कमांड भी करना पड़ता है, जो कि नीति वचन के 6:20 में लिखी है, हे मेरे बेटे मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। दैट मीन्स फादर को बच्चों को इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ कमांड्स भी देनी जरूरी है ताकि जो डायरेक्शन फादर दिखा रहा है बच्चे उसको मान सके। सारी टाइम में हम ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चों को खुद अपने बारे में सब सही और गलत का ज्ञान होता है, फादर्स ने इतनी जिंदगी में इतनी चीजों को एक्सपीरियंस किया होता है, सो दे नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर देयर चिल्ड्रन। तो इसलिए फादर्स को ये चाहिए कि अपने बच्चों को जहां सही है वहां सही, जहां गलत है वह कमांड करके उन्हें वापस सही जगह पर लेकर आए। आमेन। अगली चीज, फादर्स को क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ की टेस्टिमनीज के साथ, अपनी जिंदगी की कहानियों के साथ अपने बच्चों को एनकरेज करना चाहिए। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादाओं ने इसका वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। दैट मीन्स ये धरोहर है, ये टेस्टिमनीज एक ऐसी कड़ी है जो आप अपने बच्चों की जिंदगी में जोड़ देंगे और जो उन्होंने आपसे सुना है उनका फेथ और इंक्रीज होगा, उनका विश्वास और मजबूत होगा। किस बात से, आपकी जिंदगी को तो देखते हुए वो बढ़ेंगे ही लेकिन उन कहानियों को सुनते हुए भी, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। तो जब आप उन कहानियों को बच्चों के साथ शेयर करेंगे उनका फेथ बढ़ेगा कि अगर मेरे फादर्स की लाइफ में, फोर फादर्स की लाइफ में, मेरे पेरेंट्स की लाइफ में परमेश्वर ने ये सब कुछ किया तो मेरी जिंदगी में भी परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम कर सकते हैं। आमेन। मैं ये बात सोच रही थी कि जब हम शद्रक मेशक अबेदनेगो दानियल के बारे में बात करते हैं तो ऐसा क्या खास था उन बच्चों की जिंदगी में कि उनकी जिंदगी ब्लेमिशलेस थी, उनकी जिंदगी निर्दोष थी, उनकी जिंदगी में कुछ गलतियां नहीं थी, उनकी जिंदगी में कुछ करप्शन नहीं थी। और जब वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी बन जाते और दूसरी आर्मी के पास जाते, दूसरी कंट्री में जाते, तो बेबीलोन में भी वो राजा के साथ सहभागी नहीं हो जाते उसकी गलत चीजों में, वो अपना स्टैंडिंग के साथ खड़े रहते हैं, वो अपने इंटेग्रिटी के साथ खड़े रहते हैं, मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर स्थिर रहते हैं। क्यों? ऐसा तो पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, बच्चों ने लॉ में थियोलॉजी जो है वो की हुई थी, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि जो उनके फोर फादर्स ने उन तक वचन की बातें पहुंचाई, जो उनके फोर फादर्स ने, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने उनके उनके साथ बातों को शेयर किया होगा, उन बातों के साथ उनकी लाइफ में परमेश्वर के नाम का विश्वास कितना बढ़ गया होगा कि वो जान गए होंगे कि ऐसा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, यहोवा खुदावंद है जिसने मेरे फादर्स फोर फादर्स की लाइफ में इतना काम किया है, ही इज द वन जो हमें भी हमारी जिंदगी में बढ़ाने की कैपेबिलिटी रखने वाला परमेश्वर है। आमेन। उन बच्चों की जिंदगी को देखकर आप समझ पाएंगे, दे वर टीनेजर बॉयज, दे वर यंग बॉयज, बट दे वर सो स्ट्रॉन्ग इन देयर फेथ। आई एम श्योर कि उनके फादर एंड फोर फादर्स ने उन कहानियों को उन बच्चों तक पहुंचाया होगा, उन टेस्टिमनीज को शेयर किया होगा। तो जब आप भी करेंगे आप देखेंगे कि आपके बच्चे भी विश्वास में और मजबूत होते चले जाएंगे। आमेन। यू आर योर चाइल्ड्स फर्स्ट टीचर, आप वो टीचर हैं आपकी, एक बच्चे के बेस्ट टीचर उसके माँ बाप होते हैं। तो इससे पहले कि बच्चा वर्ल्ड में जाकर चीजों को सीखे, वो घर पर सीखता है, वो माँ से सीखता है, वो बाप से सीखता है। और जैसे वचन में लिखा है कि हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। तो जब यहाँ पर अपोसल्स बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि हमारी पत्री तुम हो, यानी कि जो हम लेटर्स लिखना चाहते हैं,
जो हम बताना चाहते हैं संसार को वो तुम हो, यानी कि हाउ द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ इज पीपल विल नो कि तुम हमें बिलोंग करते हो। और फिर आगे क्या लिखा है, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है और जो स्याही से नहीं पर जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं पर हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी गई है। दैट मींस वी आर द एपिसल्स ऑफ द लॉर्ड, हम वो पत्रियां हैं, हम वो लेटर्स हैं, हमारी जिंदगी को देखकर हमारे बच्चे जो है वो अपनी लाइफ को कंडक्ट करते हैं और हमारी जिंदगी को देखकर वो भी उसी परस्यूट में आते हैं, यानी वो भी अब वो पत्रियां बन जाते हैं जिसे देखकर लोग पहचान सकते हैं that they belong to us and that it is not because of us, ये हमारी वजह से नहीं हुआ है लेकिन परमेश्वर के कामों की वजह से हुआ है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की वजह से हुआ है जो उन बच्चों की जिंदगी में काम कर रहा है। किसके जरिए से? आपके as parents होने के जरिए से। Amen. तो this is very important. और कई बार ऐसा होता है कि you know at times आजकल mothers बहुत financially independent हो गई हैं तो fathers they tend to take a back seat in their responsibility of providing for the family. कि कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है माँ प्रोवाइड कर रही है तो ठीक है, पर देखिए माँ का प्रोवाइड करने का रोल नहीं है, माँ का रोल आपको हेल्प करने का है और आपका रोल प्रोवाइड करने का है, चाहे वो बच्चे की स्पिरिचुअल नीड्स है, चाहे वो बच्चे की फाइनेंशियल नीड्स है, चाहे वो उसके रोजमर्रा की जिंदगी की इमोशनल नीड्स है। तो एज अ फादर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड फॉर योर चिल्ड्रन। और अगर आप पहला तिमथी पढ़ते हैं 5:8 में ये बात कही गई है, अगर कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे, यानी आप अगर अपनों की और अपने घराने की चिंता नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो वे विश्वास से मुकर गया है, यानी कि आपको विश्वासी होने का कोई तबका नहीं मिलेगा, आपको वो मेडल नहीं मिलेगा, आपको कोई रिकग्निशन नहीं मिलेगी कि आप एक विश्वासी हैं। तो और क्या लिखा है, और वो अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। दैट मीन्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, आपकी प्रोविजन देने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो उसका भी आप खास तौर पर ध्यान रखें। आमेन। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है फादर्स के लिए, इम्पोर्टेंट है कि वो कभी भी अपने बच्चों के ऊपर गिव अप ऑन ना करें। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिगड़ जाते हैं, जो गलत रास्तों पर चल जाते हैं, जो शायद माँ बाप का कहना नहीं मानते, जो गलत संगति का हिस्सा बन जाते हैं और फादर्स कहते हैं कि छोड़ो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आई कांट यू नो वर्क ऑन दिस चाइल्ड। लेकिन याद करें उस उड़ाऊ बेटे की कहानी जिसमें उसका पिता अभी भी वेट कर रहा होता है कि मेरा बच्चा वापस आएगा, और जब बच्चा वापस आता है तो वो उसको ताने नहीं मारता है, वो उस बच्चे की को उल्हाना नहीं देता है, वो उस बच्चे को पीटता मारता नहीं है, वो उस बच्चे को रिसीव कर लेता है विद ओपन आर्म्स, रिसीव कर लेता है विद ओपन हार्ट। तो पेरेंट्स आपको ये चाहिए, स्पेशली फादर्स आपको ये चाहिए, प्लीज डू नॉट गिव अपॉन योर चाइल्ड, उसके ऊपर काम करें, उसके लिए प्रार्थनाएं करें, उसे सही रास्ते पर लाएं, उसे कमांड्स दें, उसे इंस्ट्रक्शंस दें, उसे अपनी जिंदगी की जो कहानियां हैं वो सुनाएं, उसके साथ अच्छे से समय बिताकर उसे वापस परमेश्वर में मोड़ लाएं। आमेन। एक चीज और बहुत प्यारी है, देखिए जब आप अपने बच्चों के लिए काम कर रहे होते हैं या आप अपने बच्चों के लिए एफर्ट्स कर रहे होते हैं तो बहुत जरूरी है कि आपके हर चीज में परमेश्वर पहले दिखाई देने चाहिए। आमेन। यहां पर जब हम बात करते हैं व्यवस्था विवरण में, ड्यूट्रोनॉमी में अगर आप देखें तो उसके चैप्टर 6 में आप पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है चैप्टर 6 ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण और उसकी 5th आयत में ऐसा लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्यार कर, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। अब आपकी क्या यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एज अ फादर, लिखा है और तो इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, दैट मीन्स ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और घर में बैठे रास्ते पर चलते लेटते उठते इन बातों के बारे में जिक्र किया करना। तो ये नहीं है कि जब आपका प्रेयर टाइम है तब आप इकट्ठे बैठे हैं एज अ फैमिली, आप बच्चों को लंबा सा लेक्चर दे रहे हैं, आप बच्चों को लंबी सी शिक्षाएं दे रहे हैं, सरमनी सुनाने बैठ जाते हैं, बच्चे बोर होके सो जाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। उठते बैठते चलते फिरते आपको धीरे धीरे उन बातों को डाउनलोड करना है, पर शर्त यह है कि आपकी जिंदगी सही होनी चाहिए जो आप डाउनलोड कर रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट वॉट इज टॉट इट इज वॉट इज कॉट, यानी कि आपकी जिंदगी से जो बच्चे कैच करेंगे वो ज्यादा मायने रखेगा बजाय इसके कि जो आप उन्हें टीच करेंगे। आमेन। तो यहां पर लिखा है
कि उन्हें सिखाया कर और उनकी चर्चा किया कर और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम करती रहे और इन्हें अपने अपने घर की चौखट के बाजुओं में और अपने फाटकों पर लिखना। दैट मीन्स एवरीवेयर जो चीजें परमेश्वर ने आपको सिखाई हैं, जो आपने परमेश्वर से पाई हैं, जो चीजें परमेश्वर आपकी जिंदगी में देते हैं, उन सब बातों को आपको अपने बच्चों की लाइफ में बताना, उन्हें उसमें सिखाना, उनमें बढ़ाना आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आमीन। और इन बातों के साथ मैं आपको ऐसे भी फादर्स के बारे में बताना चाहूंगी जो जिनके बारे में जिक्र किया गया, दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स टू बी वेरी गुड फादर्स, जिनमें मैं जो समझ पा रही थी कि अय्यूब के बारे में अगर हम बात करें तो वो एक बहुत ही अच्छा फादर ठहरा। वो कैसे? देखिए, जब आप अय्यूब की किताब चैप्टर 1 पढ़ते हैं तो कि उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता। जब जब वो बच्चे अपनी लाइफ में जैसे भी जीना चाहते थे, जैसे भी वो अपनी फीस्टिंग करना चाहते थे, जैसे भी पार्टी टाइम करना चाहते थे, उसके बाद अय्यूब क्या करता था? उन्हें बुलाकर पवित्र करता था, उन्हें सैंक्टिफाई करता था और बड़े भोर को उठकर, सुबह सुबह उठकर वो क्या करता था? होम बलियां चढ़ाया करता था गिनती के अनुसार। ऐसा नहीं कि चलो जी कुछ भी कर दो, यानी कि वो बड़ा पर्टिकुलर था चीजों को लेकर। आगे क्या लिखा है? क्योंकि वो सोचता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे लड़कों ने कोई पाप कर दिया हो या परमेश्वर को छोड़ दिया हो कि जिस समय वो अपनी खुशी के माहौल में थे। ही वॉज सो पर्टिकुलर एज अ फादर टू नो कि उसके बच्चे सही रास्ते पर, सही डायरेक्शन में चलने जरूरी है। सो ही हैड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को स्पिरिचुअली कैरी करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने बकायदा अपनी जिंदगी में निभाई। आमीन। एक और जो फादर की जो पहले भी हम बात कर चुके हैं, जिसका जिक्र आप लूका रचित सुसमाचार में उसके 15th चैप्टर में पढ़ सकते हैं, 11 आयत से लेकर 27 आयत तक जब आप देखेंगे, तो उस उड़ाऊ बेटे के पिता के बारे में बताया गया है। दो बेटे थे, बड़ा बेटा जो उसके कहने में था, छोटा बेटा जो उसके कहने में नहीं था, लेकिन उस पिता ने फिर भी अपने छोटे बेटे की राह देखनी नहीं छोड़ी। उसने उसके बारे में आई एम श्योर हो सकता है कि दिल में ही चाहे लेकिन प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी होगी और वो हर समय इस ताक में रहता होगा कि कब मेरा बच्चा मेरे साथ रिकनसाइल करेगा, कब मेरा बच्चा लौट कर मेरे पास आएगा। क्योंकि जब वो सोचता होगा, वो ऐसा ही सोचता होगा कि जब कभी वो आ जाएगा मैं अपनी बाहों को खोलकर उसे अपनी बाहों में समा लूंगा। दैट वॉज द रीजन कि जब वो दूर ही से देख लेता है कि मेरा बेटा आ रहा है तो वो वेट नहीं करता कि बेटा घर पे पहुंच जाएगा, दरवाजा खोल के एंटर कर जाएगा। वो वेट नहीं करता है कि वो बोलेगा, माफी मांगेगा, पैरों में गिरेगा, गिड़गिड़ाएगा, तब मैं उसको माफ करूंगा। वो दूर ही से देखकर भागा हुआ जाता है और इस बात को दर्शाता है कि मैं तुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, मैं तत्पर हूं। So this is an example of a very good father, a great father, a heart of forgiveness that a father has. So यहाँ से भी हम देखते हैं कि ये पिता भी बहुत अच्छा पिता ठहरा। Amen. यूसुफ के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह के अर्थली पिता थे, जिनका नाम उनके नाम के साथ जोड़ा गया, he was again a very responsible father. वो भी एक अच्छे पिता साबित हुए। देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के टाइम पर राजा ने इस बात को डिक्री किया कि सब बच्चों को, 2 साल के नीचे बच्चों को मरवा देना चाहिए। उस टाइम पर वो जैसे जैसे परमेश्वर की आज्ञाओं को पा रहा था, वैसे वैसे यूसुफ उन कामों को कर रहा था। कभी बच्चे को लेकर मरियम के साथ इजिप्ट चले जाते थे, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद वापस आ जाते थे। सो ही वॉज फॉलोइंग ऑल इंस्ट्रक्शंस जो प्रभु अपने स्वर्ग दूत के द्वारा उन्हें दे रहे थे, एंड ही वॉज प्रूविंग हिमसेल्फ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल एंड अ गुड फादर। आई एम श्योर जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह बड़े हो रहे होंगे, वो उन्हें शिक्षाएं भी दे रहे होंगे, जस्ट एज एनी ज्यूइश फादर वुड डू। और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, उन्हें कारपेंटरी में भी सिखा रहे होंगे, विच ही हिमसेल्फ वॉज अ कारपेंटर एंड न्यू अबाउट द ट्रेड, अबाउट द स्किल। तो वो एक पिता होने के नाते अपने बच्चे को हर चीज में बढ़ा रहे थे, स्किलफुल कर रहे थे, ट्रेन कर रहे थे। सो ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ गुड फादर। अगर वो अच्छे पिता नहीं होते तो परमेश्वर उन्हें कभी भी आई थिंक अटैच ही ना करते मरियम के साथ, सो दैट यू नो दे कुड रियर अप प्रभु यीशु मसीह। आमीन। और एक और फादर की अगर हम बात करें, हालांकि अब्राहम में गलतियां तो थी, लेकिन अब्राहम एक अच्छा पिता था जो प्रभु की राहों में चलने वाला, परमेश्वर की इच्छाओं पर चलने वाला पिता था। और इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? जब आप उत्पत्ति, जब आप बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18 पढ़ते हैं, उसकी 19th आयत में लिखा है,
ऐसा लिखा है कि प्रभु कहते हैं क्योंकि मैं जानता हूं, प्रभु यहां पे अब्राहम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वे अपने बेटे और अपने परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उससे पूरा करे। दैट मीन्स परमेश्वर जानते थे कि आने वाली जनरेशंस को, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें अब्राहम वो धरोहर को जो परमेश्वर के नाम का विश्वास की धरोहर है उसे आगे फॉरवर्ड करने की क्षमता रखते हैं और वो सिखाएगा ताकि वो लोग अटल रहे परमेश्वर के साथ चलने में। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को भी उस बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सौंपा एंड ही ऑल्सो प्रूव टू बी अ गुड फादर। तो आज इस वचन के साथ मैं आप सबों को एनकरेज करना चाहती हूँ, स्पेशली फादर्स को, कि आप इन बातों को ख्याल में रखें, ध्यान में रखें और अपनी अपनी वॉक को ऐसा रखें जिसको देखकर आपके बच्चे परमेश्वर की ओर मजबूती के साथ चलने के लिए तैयार हो और चाहें कि वो चल सकें। बिकॉज यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर योर चिल्ड्रन, यू आर अ ग्रेट रोल मॉडल फॉर योर चिल्ड्रन, और हर बच्चे के लिए अपना फादर जो होता है वो सुपर हीरो होता है। और आज मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि आप भी अपने बच्चों के लिए एक सुपर हीरो की मानिंद जो कि स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से अपने बच्चों को ट्रेन कर सके, बढ़ा सके, उनके साथ खड़े हो सके, एक ऐसे पिता ठहरे जो उन्हें हर तरीके से एक्सेप्ट कर सके और उन्हें सही मार्गों पर, सही रास्ते पर चलाकर उन्हें परमेश्वर की महिमा का कारण बना सके। मेरी आज आपके लिए प्रार्थना है कि आप ऐसे पिता ठहरे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप कैसी वीडियोस, किन टॉपिक्स के ऊपर देखना चाहते हैं आप जरूर हमसे शेयर कीजिए। आप हमें इजाजत दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। शालोम।